नमस्कार, हम है ईशानी प्रिया मरवा लोगन के स्वागत बा लाइव सिटीज के भोजपुरी बुलेटिन में। तो चलिए शुरू कर जाओ धनाधन खबरन के सिलसिला। पटना में तेज प्रताप के जनता दरबार में फिर जुटल बड़ भीड़, सुनलन फरियादन के फरियाद। मीडिया से बातचीत में कहले बनावे के बाद नया बिहार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बड़ बयान, कहलन केंद्र सरकार बिहार खातिर जितना वादा कैलस ओकरा से ज्यादा देलस। सरकार के साथ विकास के कई योजना बिहार में देलस केंद्र सरकार, अपन कमिटमेंट पूरा कैलन पीएम मोदी। पटना में भइल उद्यमी पंचायत के बैठक, सीएम नीतीश कुमार के संवाद पर आयोजित भइल मीटिंग, बिहार के कई उद्योगपति रहले मौजूद, व्यवसायी उठवले सुरक्षा के मुद्दा। बेगूसराय में बिगड़ल एक्स मिनिस्टर मंजू वर्मा के तबियत, जेल से ले जावल गए सदर अस्पताल, दांत में दर्द के रहे शिकायत, कहली सीबीआई जांच खातिर कैली धन्यवाद, आर्म्स एक्ट में बारिन जेल में। राजधानी पटना में बढ़ल बर्ड फ्लू के खतरा, पटना जू के बाद अब 8 कॉलेज में चिड़िया के मौत से दहशत, वन विभाग के देवल गए सूचना। भागलपुर में पक्षियन के मौत के मामला आयल सामने, 100 से ज्यादा मुर्गियन के मौत से ग्रामीणन में दहशत के माहौल, बर्ड फ्लू के खतरा के लेके भेजल गए सैंपल, पटना से जाई जांच टीम। बेतिया में आग के कहर, एक ही मार्केट के 17 दुकानन में लगल भीषण आग, करोड़ों के नुकसान के बाद आ रहल बा सामने, आग के लगे के वजह का ना लागल पता। मुजफ्फरपुर में स्नैक्स फैक्ट्री में लागल भीषण आग, आग लगी में झुलस गए 6 मजदूर, आग लगला से ये दौरान फाटल कैगो सिलेंडर, बोचहा थाना इलाका में बा स्नैक्स फैक्ट्री। बिहार पुलिस के न्यू ईयर से पहले मिलल बड़ सफलता, बड़ शराब माफिया जयकांत राय के दबोच लेलस पुलिस, 36 से ज्यादा शराब तस्करी के मामला में रहे फरार। आरा में अपराधियन के तांडव, सब्जी दुकानदार के गोली मार के हत्या, दुकान बंद करके घर लौटत समय अपराधी मार देलन गोली, हत्या के बाद इलाका में लोगन के गुस्सा। तो ई रहे आज दिन भर के भोजपुरिया समाचार, खबरन के अपडेट खातिर जुड़ल रही लाइव सिटीज.इन के साथ। नमस्कार।